प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एज बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में फिर से पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर दूसरा, और टॉपिक का नाम है विमा, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत ही आसान भी है, लंबा टॉपिक है, और ये मान लो अपने फिजिक्स का बहुत ही बेसिक है। तो चलो, विमा हमने इससे पहले की वीडियो में हमने अध्ययन किया था, उसमें हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए थे। आज हम इसको और आगे विस्तार से इसको बढ़ाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो वही हम सबसे पहले 3-4 कॉलम बना लेते हैं विमा के लिए, इस प्रकार से। हम सबसे पहले इसको 3-4 कॉलम बनाएंगे, जैसे यह आ जाएगा भौतिक राशियां, और यहाँ आ जाएगा भौतिक राशि में संबंध, भौतिक राशियों में संबंध, और यहाँ आ जाएगा इसमें विमीय सूत्र, और यहाँ आ जाएगा एसआई मात्रक। देखिए, इससे पहले की जो वीडियो थी, हमने इसमें 3 एग्जांपल लिए थे। हमने इसमें क्षेत्रफल, आयतन और हमने चाल की विमा पढ़ ली थी। आज हम नंबर 4 पे इसमें वेग की बात करेंगे। वेग, देखो वेग है, वेग बराबर तो क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ये वही होता है वेग बराबर। ये वेग का सूत्र होता है, यह वेग का फॉर्मूला होता है क्या, विस्थापन बटे समय। देखिए, जो हमारा विस्थापन है, हम विस्थापन को व्यक्त करते हैं L से, और जो समय है उसको हम व्यक्त करेंगे T से, क्योंकि T फॉर टाइम समय, L फॉर लेंथ लंबाई, विस्थापन दूरी सभी की बात है। अब देखो आगे, अब यहाँ ये L1 और ये T1, देखो यहाँ भी द्रव्यमान नहीं है सूत्र में, पर यहाँ भी m की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सूत्र में कहीं पर भी m है ही नहीं, और विस्थापन है यानी एक घात है, यानी L1 है, तो यहाँ L क्या रहेगी, L रहेगी L1, और T भी ऊपर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ T की पावर क्या हो जाएगी, T माइनस वन। अगर हम इसके ऐसे ही मात्र की बात करें तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका मात्र आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण होता है वेग बटा समय, ये त्वरण का सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या भाई, कि जो त्वरण है बराबर क्या होता है, वेग बटा समय होता है। अभी हमने देखो वेग विमा निकाली है, ये है वेग की विमा, जो क्या है m0 l1 t-1, ये वेग की विमा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पहले लगाएंगे वेग की विमा, और बटे में से लगाएंगे समय की विमा। तो भाई यहाँ तो आ जाएगा जो वेग की विमा है वो क्या है, m0 l1 और t-1, भाई बटे में क्या है, समय t1, ठीक है। अब देखो आगे, ये जो m है भाई, m का तो m रहेगा m0, l1 का l1 रहेगा। अब देखो t पहले से, ध्यान दो यह बात, t पहले से -1 में ऊपर, एक t1 नीचे है, जैसे ही ये t1 ऊपर जाएगा भाई, बताओ इसकी पावर क्या हो जाएगी,
माइनस में हो जाएगी। क्यों? कि नियम है मैथ में, गणित में हम पढ़ते हैं बेसिकली, यदि कोई संख्या नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो उसकी जो पावर है वो, उसकी पावर का जो चिन्ह है, जो साइन है, वो चेंज हो जाता है। तो भाई इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। अब पहले से माइनस वन ये माइनस, और क्या हो जाएगी? टी माइनस टू हो जाएगी भाई, ये टी माइनस टू। इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। नंबर हम तीन पे बात करें, बल, फोर्स, जो बल होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये बल का भाई सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान का मीन्स m, तो m, अब देखो m की पावर वन आएगी। क्यों? क्योंकि अपन देख रहे हैं सूत्र में क्या काम में आ रहा है, द्रव्यमान काम में आ रहा है m1, इसलिए। और इनटू त्वरण की विमा हम देख चुके, ये रही क्या है भाई, m जीरो l वन और t माइनस टू, ठीक है। अब देखो ये m आधार समान है, पर देखो ये पावर m1 और ये पावर जीरो, यानी आधार समान है तो एक नियम है गणित का, गणित में नियम होता है घातांक का नियम, क्या, यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है, गुणा में है, घात जुड़ जाएंगी, मतलब m0 m1 ये क्या हो जाएगा, m की पावर 1, L1 का L1 रहेगा, T का माइनस का 2 रहेगा, T माइनस 2, तो M1 L1 T माइनस 2, ये होगी तो बल की विमा। इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, या किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं उसको, एक ही बात है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन भी होता है या किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। हम इसके बाद में नेक्स्ट बात करें कार्य की, कि भाई कार्य क्या होता है। देखिए कार्य मतलब, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, जो वर्क होता है, बल गुणा विस्थापन, ये भाई सूत्र होता है कार्य का, बल गुणा विस्थापन। हम फिर से लगाएंगे बल की विमा, जो क्या होगी, ये होगी m1 l1 t माइनस टू, और यह लगाएंगे विस्थापन की विमा, जो क्या होगी l1, भाई दोनों गुणा कर देंगे। देखो m1 का तो m1 रहेगा, m1 l1 l1, l क्या हो जाएगा l2, और t माइनस टू रहेगा, तो ये हो जाएगी कार्य की विमा, समझ गए। देखो M1 M1 सिंगल है, L1 देखो L1 आधार समान, घातों को जोड़ देंगे, L क्या हो जाएगी L2, और T सिंगल रहेगी T माइनस टू। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक जूल होता है। इसके बाद आगे हम बात करें संवेग की, देखो जो संवेग होता है, संवेग होता है P बराबर एम वी, मतलब संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहाँ हम संवेग मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग, ये संवेग में आते हैं। ये संवेग का सूत्र होता है, द्रव्यमान का मीन्स होता है एम वन, एम वन, और वेग होता है वही L1 T माइनस वन, वेग की विमा, और दोनों गुणा कर देंगे तो आ जाएगा M1 L1 और T माइनस वन, ये आगे भाई संवेग की विमा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इसको देखते रहिए, समझिए, थैंक यू।